मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, थाने पर हमला और सड़कों पर आगजनी, कैसे सुलग उठा देवभूमि हल्द्वानी। नमस्कार, मैं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को अवैध मदरसा और मस्जिद को हटाए जाने को लेकर भारी बवाल हुआ और उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। बनभूलपुरा इलाके में अवैध निर्माण को हटाने पहुंची टीम पर पहले पत्थरबाजी हुई और इसके बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद उपद्रवी और उग्र हो गए। गुस्साई भीड़ ने कई जगह आगजनी कर दी और दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल है, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल पुलिस प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित मदरसा एवं मस्जिद को हटाने गई थी। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साई स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरा है। उन्होंने बैरिकेड तोड़ते हुए विध्वंस की कार्रवाई में लगे पुलिस कर्मियों के साथ बहस करते देखा गया। जिस समय जेसीबी का एक्शन चल रहा था, उसी दौरान भीड़ हिंसक हो गई और नारेबाजी करने के बाद पथराव करने लगी। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए। बुलडोजर चलाने पहुंचे प्रशासन पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया तो बवाल और बढ़ गया। इसके बाद रामनगर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई और बनभूलापुर थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने फिर मोर्चा संभाल लिया। बवाल के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन और सरकार दावा कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और हालात की समीक्षा की। इस बैठक में तय किया गया कि दंगइयों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। उन्होंने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। नैनीताल की जिला मजिस्ट्रेट वंदना ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि शहर में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई है। साथ ही क्षेत्र में स्कूलों को बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है। कोई भी शख्स जरूरी कार्यों यानी कि मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा।